मिश्रा भक्ति और शुद्धा भक्ति। आज का आलोच्य विषय है मिश्रा भक्ति और शुद्धा भक्ति। जो धर्म जीवन में है उन्हें मालूम है कि साधक जीवन में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की महत्ता है और इन तीनों में किसी को अस्वीकार नहीं कर सकते। यह बात सत्य है, किंतु परम पुरुष की प्राप्ति के लिए किसकी कितनी महत्ता है यह देखना है, यह देखना ही होगा। प्राचीन काल के साधक लोग कर्म के विषय में कहते थे, कर्म ब्रह्मेति, कर्म बहुकुर्वित। ज्ञान के विषय में कहते थे, सत्यं ज्ञानं मनंतं ब्रह्मा। और भक्ति के विषय में तो सभी कहते हैं कि भक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं है। परम ज्ञानी दार्शनिक शंकराचार्य ने भी भक्ति के विषय में अधिक तो नहीं कहा, किंतु जितना कहा उतना भी कम नहीं है। उन्होंने कहा था, मोक्ष कारण समग्रया भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात मोक्ष के जितने कारण हैं उनमें भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति शुद्धा भक्ति भी होती है और मिश्रा भक्ति भी होती है। मिश्रा भक्ति का अंग्रेजी है ब्लेंडेड डिवोशन। मिश्रा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक कर्माश्रिता भक्ति और दूसरी भक्ति आश्रित कर्म। ठीक वैसे ही ज्ञान मिश्रा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक ज्ञान स्थिता भक्ति और एक भक्ति स्थित ज्ञान। पहले देखा जाए कर्म स्थित भक्ति क्या है। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि कर्म ब्रह्मेति, अर्थात कर्म ही परमात्मा है, अतः अधिक से अधिक कर्म करना चाहिए, तब है कर्माश्रिता भक्ति। मनुष्य कर्म कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कर्म ही परम पुरुष है, कर्म ही परमात्मा है। एक्शन इज गॉड, एक्शनल फैकल्टी इज गॉड। मैं भी यह कहता हूँ कि काम करते करते मरो और मरते मरते काम करो, किंतु चाहिए यह कि मनुष्य कर्म पर ब्रह्म भावना का अध्यारोपण करते रहे। क्योंकि यदि कर्म करते समय मनुष्य ब्रह्म भावना का अध्यारोप नहीं करते तो वे कर्म बंधन में आबद्ध हो जाते हैं, तब वे कर्म के विषय में सोचते रहते हैं परम पुरुष के विषय में नहीं, और तब वे परम पुरुष को भूल जाते हैं। इस कारण कर्म बंधन में बद्ध हो जाते हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर एक स्तर ऐसा आता है जब वे कर्म फल के विषय में सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फल प्राप्ति की भावना से काम करना शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें लोभ की वृत्ति भी आ जाती है, उनका पतन हो जाता है। संसार में ऐसे बहुत से आदमी हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है और कहने लगे, मैंने यह किया है, मैंने वह किया है, अर्थात कर्म फल प्राप्ति की भावना से उनमें लोभ वृद्धि का उदय हो जाता है, अतः अंत में उनकी अध्योगति हो जाती है। इस अध्योगति से बचने के लिए कर्म स्थित भक्ति की आवश्यकता होती है, अर्थात कर्म कर रहे हैं किंतु भक्ति की भी अवहेलना नहीं हो रही है। हर बात में हर पग पर याद रखते हैं कि भक्ति रहनी चाहिए। भक्ति नहीं रहने से अध्योगति होगी, भक्ति नहीं रहने से कर्म बंधन आ जाएगा, उसके बाद फल प्राप्ति का लोभ आ जाएगा तो अध्योगति हो जाएगी। यही है कर्म स्थित भक्ति। यहाँ कर्म है आधार और भक्ति है आधृत। दूसरा है भक्ति स्थित कर्म। मनुष्य ने समझ लिया कि भक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता, किंतु वे भक्ति की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए कर्म भी करना है, अतः कर्म करता है ऐसा समझकर कर्म करते भी हैं। यहाँ भक्ति के आधार पर है कर्म, किंतु भक्ति के आधार पर कर्म करते रहने से मनुष्य भक्ति और कर्म दोनों के विषय में सोचते रहते हैं और इसके फलस्वरूप उनका चिंतन दुविधा हो जाता है, एकाग्र नहीं रहता है, उनकी गति दुविधा विभक्त रहती है। और वह न केवल दुविधा विभक्त रहती है बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बट जाती है, अतः भक्ति स्थित कर्म भी आखिर तक सहायक नहीं होता। दूसरा है
ज्ञान स्थित भक्ति ऋग्वेदीय उच्चारण है ज्ञान, और यजुर्वेदीय उच्चारण ज्ञान, अथर्वेदीय उच्चारण ज्ञान, तीनों ठीक हैं। जहाँ ज्ञान के आधार पर भक्ति स्थित है वह होती है ज्ञानाश्रिता भक्ति। मनुष्य ने शुरू से ज्ञान की चर्चा की और भक्ति को ज्ञान पर आधारित कर दिया। ज्ञान से उन्होंने समझ लिया कि परम पुरुष की भावना लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और यह भावना लेकर वे भक्ति को जगाते हैं, बढ़ाते हैं और ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं। इससे वे बाह्यिक वस्तु जगत में और कर्माभिमुखी कर्तृत्व जगत में फंस जाते हैं। जैसे कर्म के द्वारा कर्ति प्रधान कर्म में फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही इसमें कर्माभिमुखी कर्तृत्व में फंस जाते हैं। जहाँ कर्म प्रधान वहाँ कर्तृ प्रधान कर्म, और जहाँ ज्ञान प्रधान वहाँ कर्माभिमुखी कर्तृत्व। इससे होता यह है कि उससे दुनिया का काम नहीं होता है, वे जड़ जैसा बन जाते हैं। कहानी है राजा भरत की। राजा भरत बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान मिश्रा भक्ति का आधिक्य थे, किंतु ज्ञानी अधिक थे। उन्होंने चलना फिरना बंद कर दिया, इसीलिए उनको कहते थे जड़ भरत। जड़ भरत से संसार का समाज का काम नहीं होता है। भक्ति स्थित ज्ञान है भक्ति की चर्चा करना, यह समझना कि भक्ति के बिना कुछ नहीं होता, किंतु इसके साथ साथ ज्ञान की भी चर्चा करते रहना चाहिए। भक्ति स्थित ज्ञान में ज्ञान की चर्चा करनी पड़ती है। अतः जहाँ ज्ञान में ढिलाई आ गई, कमी आ गई, वहाँ भक्ति में भी कमी आ जाएगी और तब अध्योगति हो जाएगी। यह स्थिति और भी खतरनाक होती है, इसीलिए ज्ञान स्थिता भक्ति भी ठीक नहीं है और भक्ति स्थित ज्ञान भी ठीक नहीं है। मनुष्य को समझना यह है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की उद्भूति परम पुरुष से ही होती है। ज्ञान तत्व, कर्म तत्व, इन सब तत्वों की उत्पत्ति परम पुरुष से ही हुई है, मनुष्य से नहीं, और उनकी व्यवस्था के अनुसार यह सब होते हैं। न कर्तृत्वं कर्माणि लोकस्य श्री जने प्रभु, न कर्म फल सुयोगं प्रारब्धे प्रजापते। परम पुरुष से सृष्टि विधान के द्वारा, नेचुरल रूल के द्वारा यह ज्ञान तत्व, कर्म फल तत्व अथवा कार्य कारण तत्व आती है। यह सब उन्हीं से आते हैं। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव है अणु, परम पुरुष है भूमा, भूमा है केंद्र में और अणु घूम रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह घूम रहे हैं, नाभि केंद्र के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसी प्रकार असंख्य जीव जो विश्व ब्रह्मांड के केंद्र हैं, उस पुरुषोत्तम को केंद्र बनाकर घूम रहे हैं, और वे ऐसा कब तक घूमते रहेंगे। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे, पृथक गातमानां प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट अस्ततस्ते नामृत तत्वमेति। न्यूक्लियस के चारों ओर जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उसी तरह से परम तत्व के चारों ओर जीव घूम रहे हैं। इस घूमने का अंत नहीं है। हाँ, अंत तभी हो सकता है जबकि वे न्यूक्लियस में मर्ज कर जाते हैं। यही है चक्र, यही है कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर, यही है कॉस्मोलॉजिकल स्टेट। ब्रह्म यही है आनंद चक्र, यही है परमानंद चक्र। सभी जीवों का अलग अलग आधार है, एक एक जीव का एक एक तरह का आधार है, एक एक तरह का फिजिकल स्ट्रक्चर है, संस्कारों के अनुसार एक एक तरह का मानस आधार भी है, साइकिक स्ट्रक्चर, मेंटल स्ट्रक्चर भी है। प्रत्येक शारीरिक आधार में एक एक तरह का संस्कार है। भैंस का एक विशेष प्रकार का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वह एक विशेष प्रकार का खाद्य पसंद करता है,
शेर बब्बर और एक तरह का खाद्य पसंद करता है। शारीरिक आधार फिजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार ही भौतिक आभोग बनता है, मानसिक आभोग बनता है और फिर जीव उन सबको लेकर घूम रहे हैं। संस्कार के अनुसार अलग अलग शरीर फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग मानस देह होती है, मेंटल पैबुलम होता है जिसे संस्कृत में आभोग कहते हैं। उन्हीं के अनुसार चिंतन भी होता है। कोई आदमी बैठकर चिंतन करता है कि रसगुल्ला खाएंगे और कोई बैठकर चिंतन करता है कि किस प्रकार और अधिक स्पीड वाला मोटर कार आविष्कृत किया जाए। दोनों का चिंतन एक प्रकार का नहीं है। इसे कहा जाता है साइकिक पैबुलम अथवा मानसिक आभोग। तो परम पुरुष के चारों ओर अपना अपना जड़ाधार शरीर तथा मानसिक आधार लेकर जीव घूम रहे हैं। जड़ाधार में जड़ संस्कार है, उसका खाद्य है, उसका पेय है, उसका पसंद नापसंद है। ठीक उसी प्रकार साइकिक स्ट्रक्चर मानसिक आधार लेकर घूम रहे हैं और उसी के संस्कारानुसार उसका चिंतन हो रहा है। कोई भी दो मनुष्य एक ही तरह की बात नहीं सोचते हैं और उनके सोचने की स्टाइल भी एक तरह की नहीं होती है, सोचने की रीति भी एक तरह की नहीं होती है, अलग अलग होती है। सर्वाजीवे में आजीव का अर्थ है पैबुलम, मन का आभोग, मन जिसमें रत रहता है, मन जिसमें लिप्त रहता है। साइकिक स्ट्रक्चर है मानसिक देह, उसे कहते हैं भुवर देह, जिसका प्रयोग सावित्री ऋक में कथित गायत्री मंत्र में हुआ है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भू, भू माने भौतिक देह, भुवः, भुवः माने मानसिक देह, संस्थे, संस्थे का अर्थ है स्ट्रक्चर, ढांचा, आधार। इसी प्रकार राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग होता है। धृतराष्ट्र येन स धृतराष्ट्र, राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी आधार और स्ट्रक्चर के रूप में हुआ है। मनुष्य का अपने संस्कार के अनुसार देह, अपना शरीर बनता है, जड़ाधार भी। अपने अपने आधार, अपने अपने संस्कार और अपने अपने आजीव को लेकर हंसों माने जीव घूम रहे हैं इस विश्व केंद्र पुरुषोत्तम के चारों तरफ। वे तब तक घूमते रहेंगे पृथक गात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्ते नाम नित्य तत्वमेति। चलते चलते वे कहते रहें कृपा करो कृपा करो, उनकी भावना लेते हुए कहते रहते हैं कृपा करो। उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, साधन भजन कीर्तन कर रहे हैं और उनकी कृपा भिक्षा मांग रहे हैं। उनकी कृपा भिक्षा से, साधन भजन से, पूजन साधना प्राणायाम आदि से उन्हीं की भावना ले रहे हैं। इससे जीव और ब्रह्म की दूरी घटती रहेगी। इसी प्रकार घूमते घूमते जब उस प्राण केंद्र में मिल जाएंगे तो जीव और शिव एक बन जाएंगे। जुटस्तस्ते नामृत तत्व मेति, तब मैं और मेरा प्रेरक दो सत्ताएं नहीं रहेंगी, दोनों एक में मिल जाएंगे। उनके समीप पहुंचना संभव होता है उन्हीं की कृपा की बदौलत। इसीलिए कृपा भिक्षा मांगनी ही है और अंत में भक्ति भाव में प्रतिष्ठित होना ही है। कोई दूसरी राह नहीं है। यह मूल तत्व समझने के लिए अधिक विद्या बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है और मनुष्य जब यह मूल तत्व समझ लेने के बाद उन्हीं की भावना लेकर चलेंगे तो यह भावना न ज्ञान मिश्रा हुई, न कर्म मिश्रा हुई, मिश्र भक्ति भी नहीं। परम पुरुष की ओर चलते हुए उनको करना यह रहता है कि बाह्य वस्तु जगत में जो भौतिक शरीर है और
आभ्यंतरिक मानस जगत में जो मानस शरीर है, जिसमें उनको बहिर्मुखी आभ्यंतरिक जगत और अंतर्मुखी बाह्य जगत दोनों में संतुलन रखकर आगे बढ़ना रहता है। दोनों में संतुलन बनाए रखना है और बाह्य वस्तु जगत और आभ्यंतरिक मानस जगत दोनों को संतुलित बनाए रखना है। इसमें उन्हें जब बाह्य वस्तु जगत में संतुलन बनाना होगा तो जड़ जगत की सेवा करनी होगी, क्योंकि जड़ जगत परम पुरुष की सृष्टि है। उसकी सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य यह सेवा करेंगे तो यह समझकर कि किस तरह सही सेवा करनी है, इतना ही ज्ञान आवश्यक है। अर्थात संतुलन रखने के लिए ही ज्ञान आवश्यक है, कर्म आवश्यक है। यह कर्माश्रयी भक्ति भी नहीं, ज्ञानाश्रयी भक्ति भी नहीं है, यह है शुद्धा भक्ति। इसी शुद्धा भक्ति से ही मनुष्य परम पुरुष को पा सकते हैं, ज्ञान अथवा कर्म से नहीं। क्योंकि ज्ञान और कर्म की आवश्यकता है सेवा के लिए, भक्ति ही सब कुछ है। सेवा के लिए जितने कर्म की आवश्यकता है उसे जानोगे, सेवा के लिए जहाँ तक ज्ञान की आवश्यकता है उसे प्राप्त करोगे और उसी के अनुसार समाज की सेवा भी करते रहोगे। किंतु याद रखोगे कि भक्ति किसी पर निर्भरशीलता नहीं है। ज्ञान और कर्म की तरह भक्ति बेसहारा नहीं है, यह स्वयं अपने ही पैरों पर खड़ी है। इसीलिए शुद्धा भक्ति ही, श्रद्धा भक्ति ही साधक जीवन का सब कुछ है, वही है पराभक्ति। जो पराभक्ति के साधक हैं वे ज्ञान और कर्म को किसी भी हालत में अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भक्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए, भक्ति की पुष्टि के लिए वे जगत की सेवा करेंगे और उसके लिए ज्ञान और कर्म की चर्चा करेंगे, उसके अतिरिक्त नहीं। घमंड बढ़ाने के लिए ज्ञान की चर्चा नहीं और खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए कर्म नहीं, बल्कि भक्ति के लिए ज्ञान और कर्म। तुम लोग यही बात याद रखोगे, तगड़े भक्त बनो सब कुछ हो जाएगा। ज्ञानी बनने से घमंड बढ़ेगा और कर्मी बनने से और भी अधिक घमंड पकड़ लेगा। याद रखोगे कि भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति रेव गरी ऐसी नहीं, भक्ति ही एकमात्र राह है और कोई दूसरी राह है ही नहीं। ज्ञान और कर्म की चर्चा करोगे किंतु वहीं तक जहाँ तक भक्ति अनुमति देती है, उससे अधिक नहीं। अधिक ज्ञान खतरनाक है, क्योंकि अंततः घमंड पकड़ लेगा और अधिक खतरनाक है। अधिक ज्ञान खतरनाक है क्योंकि वह अंततः मनुष्य को यंत्र बना देगा। हमेशा याद रखो, सब काज करे जावो यथाशक्ति, मने रेखे सबे सेरा परा भक्ति। हे प्रभु, जितनी शक्ति दिए हो, जितनी बुद्धि दिए हो, उससे तुम्हारा काम करता रहूँगा और याद रखूँगा कि सारा सार है पराभक्ति और पराभक्ति ही सारा सार है। धर्म महाचक्र, जयपुर, 12 मार्च 1984।